अभी दिल्ली में मैंने देखा 1 रुपए में बियर मिलेगी, तो ये क्या क्या करना क्या चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर महेश कुमार, किसान पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मई जी, एक बात बताएं, आपको ये पार्टी निर्माण करने का कैसे सूझा कि ये पार्टी बनाई जाए और क्यों बनाई जाए, वो बताएं। किसानों की समस्या देख करके मेरे मन में एक बात आई और फिर मैंने ये सभी विषयों पर चिंतन करने के बाद जैसे भी हो, मैं किसान पार्टी ऑफ इंडिया नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें पूरे देश के लोगों का समर्थन था और जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी 23 अगस्त 2014 को, तो उन्होंने कहा था कि देश में सब सारे इतनी आज 1800 पार्टियां उस समय में थी, अब तो कुछ कमी और बढ़े हैं। तो इतनी होने के बावजूद भी देश में जो किसान और नौजवानों का समस्या जस का तस है, उसको दूर करने के लिए मैंने किसान पार्टी का गठन किया। हमारे साथ चरणजीत सिंह भी हैं और ये हम उनसे पूछते हैं, सर एक बात बताइए, 2019 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों का निर्माण होता जा रहा है, तो ऐसी कौन सा काम करेगी राष्ट्रीय किसान पार्टी जो अभी तक कांग्रेस, बीजेपी, जो अदर पार्टीज ने नहीं करा है, वो बताएं। देखिए, सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र तैयार करती हैं और 5 साल तक उन घोषणा पत्रों को जैसे ही जीतते हैं तो कूड़े में डाल देते हैं जी। असल बात यह है कि हम ये चाहते हैं जो घोषणा पत्र हों जनता की भलाई के कार्यों के, वो घोषणा पत्र सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड किए जाएं, ताकि जब सरकार जीत के आए उनको काम करने के लिए जनता पूछे तो वो ये ना कहें ये जुमला था जी। जैसे आप देखिए, कांग्रेस पार्टी लगभग 53-54 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया इस देश पर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब राज कर रही है जी। तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है और दूसरा कोई ऑप्शन बनने ही नहीं दिया जाता। तो हम ये चाहते हैं सबसे पहले कि हर व्यक्ति को, देखिए अपराधियों जैसा अधिकार तो दे दो। एक अपराधी है, जेल जाता है, 2 कपड़े उसको, 2 जोड़ी कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सब कुछ उसके लिए आरक्षित हो जाता है। एक ईमानदार आदमी 18 साल की मेहनत के बाद एजुकेशन, पढ़ाई करता है और पढ़ाई के बाद वो मारा मारा फिरता रहता है। मतलब अपराधी के लिए सरकार के पास अधिकार हैं और एक ईमानदार, शरीफ, शक्तिशाली, मेहनत करके पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं। ये क्या है? और राजनीतिक लोगों के लिए तनख्वाहें हैं, उनके लिए 4-4 पेंशनें हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं। सैनिकों के लिए कई सैनिक आपने देखा जंतर मंतर पर 5-5, 6-6, 7-7 साल से बैठे हैं, उनके लिए कुछ नहीं। किसान जो आत्महत्याएं कर रहा है उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन इन सब के लिए सब कुछ है। ये क्या है? ये कौन सी सरकार है? ये कहना क्या चाहते हैं? ये करना क्या चाहते हैं? देश का 70% किसान जो अनाज उत्पन्न करता है, अगर वो अनाज उत्पन्न ना करे तो लोग खाना कहाँ से खाएंगे? तो आप ये देखिए, वो जो अनाज उत्पन्न करता है उसकी कीमत तय करने का अधिकार उसके पास नहीं है। फिर जब किसानों की जमीनें अधिग्रहित की जाती हैं, उनको कम से कम हर परिवार से 2 या 1 व्यक्ति को रोजगार देना चाहिए, सरकारी नौकरी देनी चाहिए, वो कहाँ दी आज तक, किसको दी? जमीनें लूट ली, उनका सब कुछ बनाया हुआ अन्न लूट लिया, उनके अधिकार लूट लिए और दिया क्या? कुछ भी नहीं। नाटक, झूठे नाटक, केवल वो ढपली बजा दी और दिखा दिया, नारे दे दिए। हम कहते हैं आप जो कहते हैं वो करके दिखाओ, आपने बहुत बेवकूफ़ बना लिया। अब जो भारतीय किसान पार्टी है, एक एक चीज़, हमारे 23 पॉइंट हैं, हम 23 के 23 पॉइंट आपको बताएंगे। सबसे बड़ा पॉइंट बेरोजगारी का है, हर बेरोजगार को 18,000 रुपये महीना, 8 घंटे या 6 घंटे वो काम करेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। और बच्चियों के लिए, किसानों के लिए, आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वेश्यालयों में रहने वाली स्त्रियां बेटियां नहीं हैं? वो बच्चियां नहीं हैं? 100 साल हो गए हैं, क्या किया आपने? देश के उन इलाकों में जाके देखिए, एक छोटे से कमरे में 15-15 लड़कियों के साथ कैसे जी रही हैं वो। देखिए, मुझे ये सोच के भी मैं आंदोलित हो जाता हूँ, क्या ये नाटक कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैं? वो बेटियाँ नहीं हैं, या तो ये कहें वो बेटियाँ नहीं हैं, वो तो ऊपर से टपकी हैं, वो तो आई नहीं है समाज में। ये कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, कहाँ से आ रही हैं? नशा, नशे के व्यापार को लगातार बढ़ाया जा रहा है, नशे के व्यापार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूध नहीं मिल रहा है, असली दूध कहीं से नहीं मिल रहा है, लोग उस पर भी धंधा कर रहे हैं, गौशालाएं बना के भी धंधा कर रहे हैं लोग। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, बच्चे को असली दूध नहीं मिल रहा है, लेकिन शराब खूब मिल रही है, बियर खूब मिल रही है। अभी दिल्ली में मैंने देखा 1 रुपए में बियर मिलेगी, तो ये क्या क्या करना क्या चाह रहे हैं?
क्या यूथ को हमें हमारे यूथ को क्या करना चाह रहे हैं हमारे यूथ के साथ? पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली अध्यक्ष भी हमारे साथ योगी जी हैं। योगी जी एक बात बताइए कि आप कौन सा परिवर्तन कर देंगे अगर आपकी सरकार आती है तो? कौन सा परिवर्तन कर देंगे हम? सरकार का जनता पर विश्वास जमा देंगे और जनता का सरकार पर विश्वास जमा देंगे। अब बोला जा रहा है सरकार निकम्मी है, सरकार कहती है समाज निकम्मा है और एक दूसरे के विपरीत होकर चल रहे हैं। इस देश में तब से आज़ादी मिली है तब से हर प्रकार किसी न किसी ढंग से किसी न किसी योजना से सिर्फ और सिर्फ जनता को शोषित किया जा रहा है। ऐसे लंबे गहरे साजिश रची जा रही हैं जिसके आम जनता के मन मस्तिष्क में घुस जाए तो वो आक्रोश हो सकती है, लेकिन हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा कर नहीं अपने कार्यों से सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध करेंगे कि इस देश में स्वच्छ राजनीति भी हो सकती है। हम स्वच्छ राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता से उसे अपील और सहयोग की प्रार्थना करते हैं।